असी इस वेले पहुंचे हाँ पिंड नाजोवाल दे विच जिथे ओंकार सिंह सूबेदार जिन्होंने नॉर्थ सिक्किम शहादत हासिल की उन्होंने पार्थिव देह जी अज उन्होंने घर लिया गई है पैतृक पिंड लिया गई है। पिथले दी तस्वीरां मैं तुहानू दिखाना चाहवांगा कि इलाके दे विच जिहड़ी आ सोग की लहर है और पूरे इलाके दे लोग इत्थे जन सैलाब उमड़िया होया लोगों दी अखां जिहड़ियां उह नम दिस रहियां ने और लोग इस शहीद नूं शरधांजलि देण दे लई इत्थे पहुंचे ने। काफ़ी वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा लोग इत्थे पहुंचे हुए ने और शहीद नूं शरधांजलि दे दित्ती जा रही है। फौज के अधिकारी भी इतने पहुंचे हुए हैं। कुछ समा पहला कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब लालचंद कटारू चक भी इतों हो के गए हैं। सो लिहाजा देखा जा सकता कि माहौल जरा पूरा गमगीन इस वेले होया होया और शहीद शहादत जिथे परिवार वाले माण है उत्थे ही कितना कितना दुख भी है कि उन्होंने बेटा जरा इस दुनिया तो रुखसत हो चुके। नॉर्थ सिक्किम में हुए हादसे के दौरान जहां 16 जवान शहीद हो गए, वहीं पंजाब के पठानकोट जिले से गांव नाजोवाल के रहने वाले ओमकार सिंह भी शहादत का जाम पी गए, जिनका पार्थिव शरीर आज सुबह जब गांव पहुंचा तो गांव में हर एक आंख नम थी। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर ओमकार सिंह अमर रहे के नारे लगाए। आर्टिलरी रेजिमेंट में बतौर नायक सूबेदार तैनात ओमकार सिंह के पार्थिव शरीर को उनके 4 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी और शहीद के बुजुर्ग माता पिता ने अपने बेटे को सल्यूट कर अंतिम विदाई दी। शहीद ओमकार सिंह की यूनिट से आए मेजर योगेश ने कहा कि उनकी सेना हमेशा ही शहीद के परिवार के साथ है और जब कभी भी इनको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वह इनकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हैं। इस बारे में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर विक्की ने कहा कि शहीद देश की धरोहर है और उनको याद रखना हम सब का फर्ज बनता है। उन्होंने बताया कि हम सब एक परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपना बेटा देश की खातिर कुर्बान कर दिया। ये आप सभी को पता है कि नायब सूबेदार ओमकार साहब अपने देश के लिए पूरी शिद्दत से सर्विस करते हुए उन्होंने शहादत को हासिल किया है और मैं बस इसमें यही कहना चाहूँगा कि पूरी भारतीय सेना और पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस उनके परिवार के साथ आज भी है, पहले भी रही है और हमेशा आगे भी रहेगी। तो तुम वेख्या कि किमें नम अखा नाल जी है विदाई दी गई है परिवार के नाल नाल पूरे इलाके दे विच जिहड़ा गम का माहौल इस वेले बनया होया सारे पासे शोक जिहड़ा पिया होया। इस वेले साडे नाल शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के मैंबर मौजूद ने जिहड़े कि शहीद होए फौजियों के परिवारों के नाल हर वेले मोढ़ा नाल मोढ़ा लगा के जिहड़े जुड़े रहिंदे ने और उन्हां दीआं जिहड़ियां मुश्किलां आउंदीआं ने उन्हां नूं वी हल करदे ने, वो भी इत्थे मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आं। भाजी किस तरह यह सारा हादसा वापरिया, की होया? देखिए परसों पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हादसा वापरा। सिक्किम में हमारी सेना के 3 JCO और 16 जवान जो है वो पेट्रोलिंग पर जा रहे थे, बड़ा हाई एल्टी पे था और उनकी गाड़ी जो है नीचे काफ़ी गहरी खाई थी वहाँ स्किप कर गई और जिसमें से हमारे 3 JCO 16 जवान जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, जिनमें से हमारे जिला पठानकोट जिन्हें शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है उस ज़िले के गांव नाजोवाल का नायक सूबेदार ओंकार सिंह भी शामिल था। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका उनके गांव नाजोवाल में अंतिम संस्कार किया गया और बड़ा गमगीन माहौल आपने देखा, हर आंख नम है। पिछले 2 दिनों से इस गांव में चूल्हा नहीं जला क्योंकि सारे गांव का लाडला था, माता पिता का इकलौता बेटा था, 3 बहनें थी, बड़ी मेहनत करी, प्लस टू करके भर्ती हुआ, उसके बाद फौज में ही MA BEd करी, 2 बार उन्होंने ऑफिसर का टेस्ट भी पास कर लिया लेफ्टिनेंट का, सिर्फ मात्र कुछ अंकों से वो इंटरव्यू में रह गया और परिवार को संभाला उस बंदे ने, मजदूरी भी की लेकिन परिवार पे आँच नहीं आने दी। आज ये परिवार किला रह गया, दुखों का पहाड़ टूटा इस परिवार पर, लेकिन आज मैं अपने शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद से की ओर से इस परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम इस परिवार को टूटने नहीं देंगे, हमेशा इनके साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह संस्था उनके साथ खड़ी है। सर पंजाब सरकार वालों भी काफ़ी ऐलान किए गए हैं कि जिहड़े शहीद होंदे ने जवान उन्होंने परिवारों जिहड़ा 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, क्या इस तरह का अज मंत्री भी इत्थे कोई इस तरह का ऐलान करके गए? हाँ, क्योंकि पंजाब सरकार की पॉलिसी है कि अगर बैटल कैजुअलिटी आर्मी हैडकुआटर तो अनाउंस होंगी हो जानी, वैसे इसको राय नहीं, मेरी आर्मी अथॉरिटी गल भी हुई है, सो अज मंत्री जी कह के भी गए अगर वो जद भी वो अपने कि ना बैटल क्वालिटी रिपोर्ट डिक्लेयर होंगी है तो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी 1 करोड़ रुपये इस परिवार को दिता जाएगा। नाल ही अपना संस्था ने मांग की थी कि शहीद जड़ा है वो तो चला गया लेकिन उनकी यादा जड़िया ने आने वाली पीढ़ी देशभक्ति का जज्बा पैदा कर दी हैं, सो साड़ी अपील तो उन्होंने
पिंड के जो सरकारी स्कूल है वह नाम जो शहीद के नाते रखने की और याद एक यादगार गेट बनाने की घोषणा की है ताकि जी जनरेशन है इस इलाके की उन तो मोटिवेशन ले सके। देखा तुसी कि किस तरह सरकार वालों भी जी पहलकदमी की जा रही है और शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के मैंबर ने भी इस चीज़ में दसाया कि सरकार वालों भी ऐलान किया गया कि जेकर फौज वालों लिखती तौर पर लिस्ट जारी की जाती है तो ग्रां जी परिवार को मिलेगी। सो लिहाजा AMI न्यूज़ भी जी है यहोली शहीदों सलाम करती है क्योंकि देश की शहादत लिए जान देने वाले मरते नहीं अमर होंगे ने। कैमरा परसन लवकुश के नाल सुखजिंदर कुमार, AMI न्यूज़ पठानकोट। Abhika's biggest sale of the year is now live. Up to 70% off on everything. Visit now. Patel Chowk, Pathankot.